वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा ये व्लॉग ही है तो इसका बहुत सीन नहीं है कि कोई स्टोरी टाइम भी ऐसा कुछ नहीं है। सीन कुछ ये है कि यार कल हमारे साथ छोटा सा सीन हो गया था, मतलब सायरा हमारी जलालत में गुजरी थी तो वो अब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मसला ये है कि मैंने स्टार्ट से व्लॉगिंग शुरू किया था, मतलब मेरे इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन जब आगे गए इतने ज़्यादा हमारे साथ फनी फनी सीन हुए तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। तो सीन कुछ ये है कि यार अब इफ्तारी के बाद हम लोग निकले थे, वैसे ही जो हमारे शहजेब भाई आप लोगों को पता है उनका, तो उनका बर्थडे था और हम बस वही खाने पीने निकले थे और इन्जॉय करने। तो भाई निकले हैं आराम से, अपना इन्जॉय वगैरह कर रहे हैं। पहले हम लोग गए ज़रा अपने मेन अड्डे गुलबर्ग में, और गुलबर्ग मैकडोनल्ड में, तो मैकडोनल्ड से होकर फिर हम जोहर टाउन गए। जोहर टाउन से हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा के तो वापस आ रहे थे, और कनाल के ऊपर जो है हमारे एक बहुत ही अजीम ड्राइवर हैं फनकार भाई होंडा सिटी वाले, आप लोग उनको पता है। तो सीन कुछ ये हुआ कि यार उन्होंने शहजेब को कहा कि भाई गाड़ी अपनी पकड़ा, और वैसे हम दो गाड़ियों में थे, एक मेरी गाड़ी थी और दूसरी जो है सिविक रिवॉन थी, शहजेब भाई की न्यू गाड़ी, उसके ऊपर व्लॉग आएगा इंशाल्लाह जल्दी, परेशान नहीं होना। तो सीन कुछ ये है कि यार उन्होंने कहा कि भाई फनकार भाई ने कहा कि शहजेब मुझे गाड़ी दी, मैंने ज़रा व्हील स्पिन मारना है, तो व्हील स्पिन मारने लगे भाई साहब। तो सीन कुछ ये हुआ कि यार अब उन्होंने कहा व्हील स्पिन मारना, मैं वीडियो लगा दूंगा, मतलब बहुत फनी सीन हुआ। असल में मेन मसला ये था कि यार जो रिबॉन उन्होंने लिया है ना, शहजेब भाई ने अभी न्यू लिया है तो उसके भी काम वगैरह होने हैं, जाहिर सी बात है पुरानी गाड़ी लो तो उसके काम होते हैं। तो आइडिया नहीं था कि यार क्या क्या काम है, वैसे थोड़े बहुत काम हो गए थे, लेकिन उसका जो है भाई गोडा जो होता है गाड़ी का वो वीक था। तो सीन कुछ ये था कि भाई उन्होंने जैसे ही व्हील स्पिन मारा पावर दिए गाड़ी को और गोडा निकल गया, तो गाड़ी हम मेन रोड के ऊपर खड़े, मैं तो वैसे तब तक पहुँच आया तकरीबन घर, तो इनके मुझे पीछे से कॉल है कि भाई ये सीन हो गया तो वापस पहुँच। फिर मैंने गाड़ी वहाँ से भगा के वापस पहुँचा उनके पास, उधर जाके फिर हम दूसरी गाड़ी ले आए, और मतलब फनकार भी अपनी गाड़ी ले आए क्योंकि टोचिन उसके अंदर थी, मेरी गाड़ी के अंदर टोचिन केबल नहीं होती। तो खैर वो अपनी गाड़ी ले आए, गाड़ी को टो वगैरह किया। अब मसला ये कि होंडा सिटी के अंदर तो हमने लगा ली टोचिन, लेकिन अब हमारी बॉन्ड मिल नहीं रहा कि आगे भाई टोचिन केबल लगती कहाँ, तो घंटा हमने उसके ऊपर सील हुए। खैर वहाँ पर तो ब्लॉग ही बनाया था मैंने, वहाँ से आगे ब्लॉग सारा स्टार्ट हुआ, और वहाँ जब हम मैकेनिक के पास पहुँच गए थे काफ़ी खजल खोरी के बाद, तो वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया। तो एंजॉय करो, वैसे काफ़ी मज़ा था, बीच में हमने रेसेस वगैरह भी ट्राई की है और अपनी इवन 40 और सिटी की रेस की है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को पता है कि जो होंडा सिटी वो ऑटो है, तो मैनुअल ऑटो का फ़र्क आ जाता है, मैनुअल तो भाई फ़ौरन उठती है और ऑटो थोड़ा सा टाइम लेती है उठने में पिकअप में, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसको दिल पर नहीं आता, फ्रेंडली सीन था सारा। बाकी अच्छा मुझे अब कन्फर्म नहीं है कि व्लॉग कैसा बनेगा, क्योंकि भाई दरमियान से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सॉरी लास्ट टाइम है। तो बाकी खैर इन्जॉय करो, लेट्स गो। कभी गोडा जो है गोडा, मुझे पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस टाइम भाई नॉलेज लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ से निकाला उन्होंने, और अभी ले गए इसको फिक्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे ही होता है फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। अभी घंटा डेढ़ आराम से लग जाएगा इधर, हालात है नहीं देखने वाली दिखाने वाली, सॉरी नहीं तो मैं आप लोग को दिखाता, बाकी भाई हालात सीन टाइट ही है। तो फाइनली जो है सारा सीन डन हो चुका है, टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, और गाड़ी जो है टायर लगा रहे हैं, तो बस ऑलमोस्ट डन हो गया हमें, अभी बस निकलते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं, सैरी वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है। बाकी अखबारी काफ़ी हो गई है, लेकिन मज़ा आया फिर, क्यों ऐसी चीज़ें जो है यादगार होती है, काफ़ी मज़ा आया, बाकी जैसे ही होता है फिर निकलते हैं। A few moments later. तो फनकार भाई हमारे आ गए आधे घंटे बाद, एटीएम उटीएम मारने गए थे, तो अब हम निकल रहे हैं नाश्ते के लिए, और नाश्ते के लिए एक ओए माशाल्लाह सैरी के लिए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह
ये आप लोगों को पता है हमारी लाल दुला रही। चलो आप इसको निकले। हाँ खोल रहा हूँ। तो फिलहाल जा रहे हैं नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके जरा आप लोगों से हेलो हाय करते हैं। और नाश्ता नहीं यार, सैर ही करनी है भाई, भूल जाता हूँ। चलो निकले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जरा नाश्ता करने, सॉरी सैरी करने, भूल जाता हूँ। तो अभी हम लोग रास्ते में बिल्कुल खाली रोड पे, सुबह का टाइम है, नहीं रखते सारे रखते सुबह का टाइम है। तो हम जरा ड्रैगर्स ट्राई कर रहे हैं होंडा सिटी और इसकी, देखते हैं कौन आगे निकलती है। और चलो ट्राई करते हैं जरा एक दो बार। है शुक्र मिला करना वेले हैं, कर लेते हैं, कुछ कुछ नहीं होता, कर लो कभी 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 हो जाना चाहिए, कर लो। ये आगे रिबॉन और वो जा रही सिटी, अब जरा करते हैं ड्रैगर्स ट्राई, ठीक है, लेट्स गो। बॉयज तो वहाँ से हम रास्ते में थे और एक तो जगह देखा हमने, कोई एक तो रश बहुत था, सैरी टाइम है तो जो लोग बाहर से सैरी करते हैं काफ़ी रश था। तो अभी हम लोग बरकत मार्केट आए हैं, यहाँ पर देखते हैं अगर कोई जगह खाली है तो नाश्ता नाश्ता सैरी करते हैं यार। अब ज़रा पैक भी हो रही है तो बस हो गई है, बाकी सैरी सूरी करके निकलते हैं। तो खैर यहाँ पर देखते हैं अगर कोई है तो फिर निकलते हैं, लेट्स गो। और सीन कुछ ये है कि काफी मजा आया यार आज। ऐसी चीजों का सीन यार ये है कि अगर तो आप वक्ती तौर, अगर कोई ऐसा सीन होता ना आप लोगों के साथ, वक्ती तौर पर आप लोगों को बहुत परेशानी होगी यार, क्यों हो गया, ये हो गया, मैं फंस गया हूँ, ये वो। लेकिन जब आप सारी रात उसमें जलील होते हो, शुक्र मेला होता है, दोस्त साथ होते हैं, तो सीन ये होता है कि बाद में मेमोरी बन जाती है, एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई एक अच्छी मेमोरी बन जाए इस चीज़, और क्या बात हो सकती है, जो एक अच्छा पल आप लोगों का गुजर जाए जो आप बाद में बैठ के याद कर सको, तो इससे अच्छी बात मेरे ख्याल से कोई नहीं है। खैर मज़ा आया, शुक्र मेला भी काफ़ी लगाया, टाइम अच्छा स्पेंड हो गया, घर जाके भी सोना ही था सिर्फ। तो यही सीन है बाकी आज के लिए, बस व्लॉग यार स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया था तो इसलिए सॉरी, वहाँ से था नहीं, बाकी ओके सीन है। तो अब निकलते हैं भाई को दो इजाज़त, सीधे घर जाएंगे यार, बस हो गई अब फुल ना सहरी के बाद, आपको पता नींद बहुत आती है, नमाज़ पढ़ेंगे घर निकलेंगे, बाकी इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।